ਬਰ ਸੀ ਖਟਨ ਗਿਆ ਸੀ ਖਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਓਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਕੁੱਟਣੀ ਸੰਦੂਕਾਂ ਓਲੇ ਨੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਕੁੱਟਣੀ ਓਲੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾ ਓ ਬੱਲੇ 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 ਓਏ ਅਮਰਤਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਮਰਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਈ छेती कपड़े चेंज करके पन का मल्ले ओए अमृता पुत्र वह की गल है सो रही थी या कुछ काम कर रही थी नहीं हाँ। और ये तेरे हाथ में पानी आपके लिए पापा जी और मेरे लिए ओए पर हिचकी तो तुझे आ रही है माँ को याद कर रही थी ओए पर हिचकी तो उसको आती है जिसको याद किया जाता है पापा जी माँ भी याद कर रही होगी शायद ओए पुत्र रविंदर अंदर है क्या वो म्यूजिक की आवाज आ रही थी ओ अच्छा तो तू है अंदर है वो की कर रहा था दादू भांगड़ा भांगड़ा ओए पर अंदर से तो गिद्धे की आवाज आ रही थी दादू गिद्धे के म्यूजिक में मैं भांगड़ा भी कर सकता हूँ अच्छा दिखा ओए बल्ले बल्ले 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 ठीक है ठीक है ठीक है ओए अमृता बहू वो कल्लू मल कोयले वाले है ना उनका देहांत हो गया है ओए हमें अभी जाना होगा दोनों को तू तैयार होके आ जा ठीक है ठीक है पापा जी ओए लगा रहे पुत्र लगा रहे हाय मैं मर जाऊं मेरे सरदार ने तो चलाया गोल गप्पे गोल गप्पे इतनी जल्दी तैयार हो गया तू ओए चल अमृता पुत्र बड़ा ही नेक बंदा था सोनालाल सुनार ओ बहना जिसका देहांत हुआ है ना वो कल्लूमल कोयले वाला था वो की फर्क पैंदा है रामपाल उस रब दी निगाह में ना सारे बंदे बराबर हैं कल्लूमल कोयले वाला हो या भाग्यलाल बाजी वाला ओए छोड़ो ओए हमें यहाँ से निकलना चाहिए अब आते आते रात हो जाएगी और अगर हमें देर होगी ना तो रात हम वहीं रुक जाएंगे सवेरे आएंगे कोई गल नहीं पर पापा जी बच्चों को घर कैसे छोड़ दे साथ भी नहीं लेके जा सकते ठंड पड़ी है ना बाहर बेचारे बीमार पड़ गए तो तू क्या मुझे भूल गई है और मैं रखूंगी इन बच्चों का ख्याल नहीं नहीं फूफी जी आपको परेशान करना अच्छा नहीं लगता इस मामले में तू तो मेरी चिंता करना छोड़ ही दे और देख मैं कितनी कोई बुढ़ी नहीं हो गई हूँ हाँ हाँ वो तो क्या है ना आजकल मेरी प्यारी गंजू नहीं है ना यहाँ शुक्र रब तो नहीं है वो मतलब मैंने बोला किन्नी मेर है रब दी आप हमारे घर में हो आप नहीं होते तो क्या होता हमारा वो वैसे क्या होता आप लोग मेरी परेशान क्यों हो रहे एक बंदा है जो हम दोनों के लिए मदद कर सकता है ऑफ कोर्स मैं टेमू हाँ हाँ पता है तू एक बार जो कमिटमेंट कर देता है उसके बाद तू खुद की भी नहीं सुनता ओए जसबीर हाँ जी ओए तू फिर फिल्म देख के आया और तेरी आवाज को क्या हो गया ओए रात भर तू लगता है फिल्म देख देख के तूने अपना गला बिठा लिया और नहीं पापा जी ये गला मेरा ना रात भर फिल्म देखने की वजह से नहीं बैठा वो तो मैंने ना आइसक्रीम का पटाटा गोला खा लिया था कुछ नहीं हो सकता तेरा खैर मेरे कहने का मतलब ये था रविंद्र पुत्र कि जब तक तेरे मूछे नहीं आ जाती ना तब तक तू बड्डा नहीं हो सकता मेरी मूछे तब तो मैं बड़ा ही नहीं होऊंगा एक ही कहता पुत्र पुत्र के कहने का मतलब ये है कि ये मेरे लिए हमेशा बच्चा ही रहेगा है ना रविंदर ओए चलो ठीक है अमन और रविंदर घर में रहेंगे और गोपी उन पर नजर रखेगी ठीक है रविंदर पुत्र अपना ख्याल रखना और फूफी को दोनों मिलके जरा भी तंग नहीं करना हुँ? जब भी कोई बाहर का दरवाजा खटखटाए या बेल बजाए ना तो जब तक पता नहीं चल जाए ना कौन है दरवाजा नहीं खोलना ओके। किसी को अंदर नहीं आने देना हुँ? और फूफू इसमें ना मैंने और पापा जी ने लिख दिया है कि बच्चों को क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना ठीक है ओए रविंदर एंड पार्टी इस बात का ख्याल रखना कि घर में कोई शरारत नहीं होनी चाहिए और फूफी तुम पर नजर रखेगी अगर फूफी ने हमें बताया कि तुमने कोई शरारत की तो
घर का भी ख्याल रखना और अपना भी। आ भी जसवीर। हाँ जी चलो। ले मेरे गोलगप्पा। बाय बाय। ओए आजा आजा अमृता पुत्र आजा। ओए चलो अब ना मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा है। इंग्लिश का होमवर्क करना है, बाहर नहीं खेलना है, फ्रिज से ठंडी चीजें और मिठाई नहीं खानी है, करेले का जूस पीना है, घर का पूरा ध्यान रखना है, खेल कूद ज्यादा बाहर नहीं करनी है और ठंड में बाहर नहीं खेलना है, घर को बिल्कुल गंदा नहीं करना है। इसका मतलब है तुम लोग बिल्कुल भी शैतानी नहीं करोगे। समझ में आई? कोई शैतानी नहीं करोगे। चलो रेडी हो जा, हम लोग तो जी भर की शैतानी करेंगे।